सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। हे सिद्ध पुरशो, जड़ा अमृत वेले उठ के सच नाव सच्चे नाम दा जपना है, एहो उस लई सच्ची भेटा है अते उस दियां वड्याईयां दी विचार करनी चाहिदी है, जिन्हां दी विचार सुन के ओह प्रभु साडे नाल प्यार करेगा। अमृत वेले दी बाबत ग्रंथां विच कुछ विचारां हन अते महापुरखां ने भी उच्चारण किया है, सो आओ बड़े प्रेम नाल इन्हां विचारां नूं सरवण करिए। 84 लाख जुनिया विचों मनुखा जन्म अमृत वेला है, क्योंकि इस विच ही नाम जप के अमर हो सकीदा है, बाकी जुना विच नहीं। क्योंकि इस विच ही नाम जप के कोई अमर हो सकता है, पर बाकी जुना विच इसका होना मुश्किल है। कलयुग का समा चारे युगों तो अमृत वेला है, क्योंकि इस युग विच नाम अमृत जल्दी फलदा है। बालक अवस्था भी अमृत वेला हुंदा है, क्योंकि बालक अवस्था विच विकारां ते धंदियां वल बिरती घट हुंदी है। जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने बालक अवस्था विच नाम जप के प्रभु नूं पा लिया सी, युवा अवस्था सारी उम्र विचों जवानी दा समा भगती ते सेवा लई अमृत वेला है। जैसा कि भवसागर के तरन को तरन अवस्था आहे, बिरध अवस्था भी अमृत वेला है, क्योंकि विकारां ते काम धंदियां दा जोर घट जांदा है। सारी रात विचों रात्रि दा आखरी ते चौथा पहर अमृत वेला है। उस समय नाम अमृत विच बिरती टिकदी है, यह समय दा प्रभाव है। सारे समयां विचों सत्संग विच जो समा बीते सो अमृत वेला है, क्योंकि उत्थे नाम परमात्मा दी अमृत रूप वड्याई दा वरतारा वरतदा है। अमृत छकण दा वेला भी अमृत वेला है, जद गुरु उपदेश द्वारा मृत्यु तो रहत करन वाले ज्ञान दी प्राप्ति करनी है, वह भी अमृत वेला है, भाव अमर करन वाला समा है। श्री गुरु नानक प्रकाश विच भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अमृत वेले उठ के इशनान करन दा महात्म इस प्रकार कथन किया है। जाम जामनी नावन करेही, कंचन पार दान फर फरेही, चतुर्घटी निस्ते जो नावै, तितनो दान रजत फल पावै, घटी रहण ते करे शनाना, फल हवै खीर सवा मन दाना, प्रातः काल उठ कर जो नावै, मन जल दान करे फल पावै, दिवस चरे ते नावै जोऊ, ताको है ना पुन फल कोऊ, फल एतो ही देहे पुनीता, निस्ते नावण आदि रीता, निगमागन की अह निदेशा, नह कछ मेरे वाक नरेशा। जिस वेले श्री गुरु नानक देव जी कोलों आग्या लैके मन सुख शाह संगला दी विच पहुंचया, तां उत्थे पहुंच के राजे शिवनाव नूं मिलिया। पहलां तां एकादशी वर्त दे अंतरी वर्त करके उसका महात्म समझाया, फिर अमृत वेले उठ के इशनान करन दा महात्म दस्या। जिहड़ा मनुख पहर रात रहिंदी उठ के इशनान करदा है, उसनूं 3260 तोले सोने दा दान देण जिन्ना फल प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा मनुख 4 घड़ियां रात रहिंदियां इशनान कर लैंदा है, उसनूं 3260 तोले चांदी दे दान करन जितना फल प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा मनुख 1 घड़ी रात रहिंदियां इशनान करदा है, उसनूं 1.25 मण दुध दान देण दा जितना फल प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा मनुख प्रातःकाल उठ के इशनान करदा है, उसनूं 1 मण जल दान करन जितना फल प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा मनुख दिन चढ़न तों इशनान करदा है, उसनूं शरीरिक पवित्रता तां मिल सकदी है, परंतु उसनूं कोई पुन फल प्राप्त नहीं हुंदा। साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अनेकां ही शब्द अमृत वेले बाबत आए हन, उन्हां विचों
कुछ चुनवे शब्द इस प्रकार हैं, झालांगे उठ नाम जप निस बासुर आराध, कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटै उपाध, नाव पर भाता शब्द त्याइया छोड़ो दुनी प्रीता, पहला पहरा फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागण लहन से साई कन्नो दात, चौथे पहर सुबाह कै सुरत्या उपजै जाओ, तिन्ना दरियावा स्यों दोस्ती मन मुख सचा नाओ, उदम करे पलके पर भाती इशनान करे अमृत सर नावै। साह संगत जी, भाई गुरदास जी दियां वारां विच भी कुछ प्रमाण अमृत वेले दे इस प्रकार मिलते हैं। कुरबाणी तिना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां अमृत वेला सर नावांदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां होए एक मन गुर जाप जपंदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां साध संगत चल जाए जुड़ंदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां गुरबाणी नित गाए सुनंदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां मन मेली कर मेल मिलंदे, कुरबाणी तिना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करंदे, गुर सेवा फल सो फल फलंदे।